का एक बड़ा काफिला के साथ रैली में जाते हुए, और पहली गाड़ी कृष्ण मोहर जी की, ये देखो भाई पहली गाड़ी है कृष्ण मोहर जी की, प्रधान जी की, और ये दूसरी गाड़ी भाई शुरू हो चुकी है। देखो भाई एक बड़ा काफिला कृष्ण मोर का जो जेजेपी पार्टी के स्थापना दिवस में शामिल होने के लिए निकल पड़ा है। हेलो भाई साहब, पूरा जोश कर जाए। हाँ जी भगवान जी, कौन बोलो, जल्दी बोलो जी, तो जी कौन सा आज क्या काम था? हाँ हाँ भाई साहब, थोड़ा मैं काम हूँ, बिजी हूँ थोड़ा। तो अभी टोल पर चलेंगे और वहाँ पूरी बातचीत करेंगे कृष्ण मोहर से। एनजी न्यूज के सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा कि आपको पता है, जननायक जनता पार्टी का 5वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है भिवानी के अंदर, और ऐसे में दुष्यंत चौटाला जी निमंत्रण देने के लिए गांव-गांव पहुंच रहे थे। और आज जैसा कि 9 दिसंबर है, और 9 दिसंबर को पार्टी का स्थापना दिवस के लिए लोग गाड़ियों में भर भर कर जा रहे हैं। नरवाना में पूर्व में चेयरमैन रहे नगर परिषद के कृष्ण मोहर जी, उनके एक बड़ा काफिला नरवाना से रवाना होगा। अभी तक जो वीडियो दिखाई है, कितना अभी तक का जो बड़ा काफिला है किसी का नहीं रहा। ऐसे में कृष्ण मोहर है जो पूर्व में चेयरमैन रह चुके हैं नरवाना नगर परिषद के, तो उनका अभी तक का सबसे बड़ा काफिला दिखाई दिया है। क्योंकि जहां हमने अभी देखा कि गांव, जितने भी गांव है या जितने भी शहर है कैथल के आसपास के, जो भी यहां से आ रहे थे, तो किसी का इतना बड़ा काफिला नहीं, किसी की 3 बस्ती, किसी की 2 बस्ती। ऐसे में गाड़ियों की भरमार है कृष्ण मोहर जी ने जो अभी रैली के लिए लेके आए हैं, और दिखाऊंगा साथ में बात भी कराऊंगा कि किस प्रकार से लोगों का उत्साह है इस रैली को लेकर। एक बार मैं यहां से शुरू कर देता हूं, जो गाड़ियां यहां पर लगी हुई है, कितनी गाड़ियां हैं, और अभी तक का सबसे बड़ा ये काफिला जेजेपी पार्टी से जो रैली है उसमें शामिल होने के लिए जा रहा, अपनी ताकत दिखाने के लिए। ये पहली गाड़ी है, जो पहली गाड़ी है वो हम आप देख सकते हैं, ये दूसरी गाड़ी है, फिर ये तीसरी गाड़ी है, ऐसे करते करते बहुत सी गाड़ियां हैं, और अभी भी बहुत लगातार गाड़ियां यहां पर पहुंच रही है। और ये मैं दिखाना चाहूंगा, ये गाड़ियां जो लाइन में लगी हुई है लगातार, जहां तक नजर है दूर दूर दिखाऊंगा। तो ये सभी रैली में शामिल होने के लिए जा रहे हैं जो स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कृष्ण मोहर जी है, पूर्व में चेयरमैन रह चुके हैं नगर परिषद नरवाना के,
तो ऐसे में एक बड़ी संख्या में लोगों का यहाँ नरवाना से जाने के लिए फैसला हुआ है और ये सारा जो कृष्ण मोर है उनके मतलब नरवाना से हो रहा है। तो ऐसे में आप ये तस्वीरें देख सकते हैं और मैं उन गाड़ियों की तस्वीर दिखाऊंगा। आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और साथ में ये भी बताएं आप कि इस काफिले में कितना दम है, क्योंकि लगातार जो गाड़ियां जा रही है ऐसे में छोटे काफिले दिखाई दिए थे, लेकिन ये बड़ा काफिला अभी आपके सामने दिखाया जा रहा है तो सबसे बड़ा काफिला है और लोग यहाँ पास पास खड़े हैं, सभी गाड़ियों में भर भर कर जाएंगे और सभी पता है आपको कि किसी में 5 बंदे आएंगे, किसी में 6 आएंगे, किसी में 4 बंदे आएंगे। तो ऐसे जिस गाड़ी में जितनी कैपेसिटी है उस हिसाब से इसके अंदर जो लोग हैं उनकी क्वांटिटी रहेगी। तो यहाँ इस साइड में भी है, ये देख सकते हैं आप सभी तरह की गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँची हुई है और लोग भी लगातार यहाँ पर एक और गाड़ी आ चुकी है, देख सकते हैं एक और गाड़ी आ चुकी है। तो ऐसे में लगातार गाड़ियाँ का आना भी शुरू हो चुका है कि जो रैली में जाएगी। दोबारा फिर मैं एक बार दिखा देता हूँ और बात भी करवाऊँगा। क्या नाम है, क्या लगता है कितना उत्साह है लोगों में? आप देख ही रहे हो, हाँ तो मतलब बड़ा बड़ा काफिला है। तो ऐसा अभी तो बढ़िया रह रही है, अभी भी रह रही है, आने लग रही है, अभी भी रह रही है। क्या बात है, मतलब सबसे बड़ा काफिला आप ही लेके जा रहे हो नरवाना से? मैंने और भी गाड़ी देखी है, किसी के पास 2 बस थी, किसी के पास 3 गाड़ियां थी, ऐसे में आपका काफिला सबसे बड़ा है। तो आपने देखा होगा अभी? नहीं, मैंने तो देख लिया था। तो ऐसे में मतलब इनको पहले बताया था या अभी तुरंत पैर कहना पड़ा इनको? नहीं, कुछ तुरंत पैर भी है, कुछ तैयारियां चल रही थी 2-4 दिन से। अच्छा, अभी तैयारियां करी है, एकदम तो उठा नहीं इतना कुछ। तो पहुंच जाओगे बयानी? आप कितनी देर में चलोगे? बस अभी चलने वाले हैं, गाड़ियां रह रही हैं, अभी और भी गाड़ियां हैं। कृष्ण मोर जो पूर्व में चेयरमैन रह चुके हैं नरवाना नगर परिषद के, तो उनको जो जिम्मेवारी डिप्टी सीएम ने सौंपी थी कहीं ना कहीं उससे उस उम्मीद से ज्यादा एक बड़ा काफिला करके दिखाया है। बातचीत कर लेते हैं। प्रधान जी नमस्कार। नमस्कार जी। प्रधान जी, क्या कुछ कार्यक्रम है और कितने लोगों का साथ आपको मिला है रैली में जाने के लिए? आज जेजेपी जन नायक जनता पार्टी का 5वां स्थापना दिवस है, जिसमें भाई साहब ने हमें कुछ के लिए बोला था, कुछ ना कुछ फालतू ही करके दिखाया है। आज हमारी 600-700 आदमी है और एक बस है। जो भी डिप्टी सीएम ने जिम्मेवारी सौंपी थी उस पर हम खरे उतरे हैं और खरे उतरेंगे आगे भी। हम डिप्टी सीएम से ऐसे ही मिलते रहेंगे, ऐसे ही भाई साहब को जैसे भी भाई साहब के हाथ हम मजबूत करने का कार्य करेंगे। तो सर, क्या लगता है कि युवाओं में लगभग युवा लगभग आपके साथ है, बुजुर्ग भी है, तो कितना उत्साह है युवाओं में? युवाओं में बहुत उत्साह है भाई साहब। इस काफिले में युवा और बुजुर्ग सभी बराबर के आदमी हैं, युवा भी हैं और बुजुर्ग भी हैं। जितना कैफिला है पूरा का पूरा कैफिला लेके हम भिवानी पहुंचेंगे। और जैसा कि लगता है कि बस तो गाड़ियां भी और भी गई हैं, लेकिन आपका जो एक काफिला है कहीं ना कहीं रिकॉर्ड तोड़ काफिला है नरवाना में, सबसे बड़ा आपका किले का। भाई साहब, डिप्टी सीएम ने हमें एक जिम्मेवारी दी थी, हम उस जिम्मेवारी पे खड़े उतरेंगे और आगे के लिए हम चाहते हैं कि ये डिप्टी आगे से हट जाए और सीधा मुख्यमंत्री बन जाए। तो सही बात है, भाई साहब की कह रहे भी भाई मुख्यमंत्री बन जाए। तो ऐसे में क्या लगता है कि 2024 से पहले करोगे कमाल या 2024 वाले चुनाव में करोगे कमाल? ये भाई साहब, ये तो समय ही बताएगा। 2024 हो सकता है इसी समय, अभी कोई भी फिर हो सकता है, इन बातों में कुछ निकाल जा सकता। हरियाणा के मुख्यमंत्री को बदलने की भी तैयारी की जा रही है कि मुख्यमंत्री बदलना चाहिए, तो ऐसे में क्या लगता है कि अगर मुख्यमंत्री बदल दिया जाता है तो क्या डिप्टी सीएम को मौका मिल सकता है? आज डिप्टी सीएम की ये रैली निर्धारित करेगी मुख्यमंत्री बनेगा कौन, बनेगा बदलेगा या ना बदलेगा। अच्छा जी, तो आने वाला जो समय होगा जी, दुष्यंत चौटाला के लिए कितना फायदेमंद होने वाला है? दुष्यंत चौटाला के लिए आज युवाओं में बहुत ज्यादा जोश है और आप देख ही रहे हो इस कैफिले को। अनाज मंडी से लेकर हम बद्दोवाड़ा पहुंच गए, अनाज मंडी से बद्दोवाड़ा तक की लाइन तो एक ही परिवार ने कर दी है ना। नहीं, कृष्ण मोर नहीं, मेरा पूरा परिवार है। मैंने तो अपने पूरे परिवार को एक बार बोला था कि डिप्टी सीएम ने 100 लगाया नरवाना के अंदर, जिसके अंदर ये अपने युवा अपना कार्य कर सकते। तो अभी बिल्कुल तैयार है भाई। तो भाई आप देख सकते हैं कृष्ण मोर जी है पूर्व में चेयरमैन रह चुके हैं नगर परिषद नरवाना के, ऐसे में एक बड़े काफिले के साथ, बड़े रिकॉर्ड के साथ
जेजेपी पार्टी का जो एक स्थापना दिवस मनाया जा रहा है वहां पर शामिल होने के लिए और अपनी ताकत दिखाने के लिए किशन मोहर जी चल पड़े हैं एक परिवार के साथ। और आपने काफिला भी बड़ा देख लिया है, लगभग 100 से ज्यादा गाड़ियां हैं और आप देख सकते हैं ये जो मैं दिखाना चाहूंगा तस्वीरें, दूर जितनी भी जहां तक भी आपकी नजर जाएगी, जहां तक भी ये नजरें जाती है गाड़ियां ही गाड़ियां इस काफिले की है। तो काफिला बहुत बड़ा है और भी गाड़ियां आ रही है भाई लगातार। पीछे कौन है? क्या नाम है भाई साहब? मंजीत सिंह। मंजीत जी, कैसा उत्साह है लोगों को जो स्थापना दिवस मनाया जा रहा है जेजेपी पार्टी का, उसकी रैली में शामिल होने के लिए आप जा रहे हो? बहुत बढ़िया उत्साह है जी, सब बढ़ चढ़ के जा रहे हैं। कितनी संख्या में लोग पहुंचने वाले हैं? सर भीड़ तो अच्छी होगी, अंदाजा हम लगा सकते हैं इंद्रवाड़ा से कम 400-500 गाड़ी होगी। अच्छा, तो जैसे आपका जो काफिला है किशन मोहर की उसमें जा रहे हैं? बताओ दोस्तों क्या कुछ चल रहा है? तो लोगों में कैसा उत्साह है? पूरा उत्साह, यहाँ पे सभी इकट्ठे होकर जाएंगे किशन मोहर के नेतृत्व में। कितना उत्साह लोग? बढ़िया जी, आप देखने आ रहे हो तो सारे भाई साहब सारे जाओगे? हाँ जी, सारा अध्यक्ष आ रहे जी। तो काफिला बहुत बड़ा है और भी गाड़ियां आ रही है भाई लगातार। पीछे कौन है? ले भाई गाड़ियां और भी पीछे आन लग रही है, देखो गाड़ियां, वो खड़ी गाड़ियां आन लग रही है। तो भाई ज्यादा एक नंबर की वीडियो बना के।